शनिवार को पंचायत भवन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई। समारोह में किसानों को किसान सम्मान दिया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के योगदान की चर्चा की। राज्य सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसान और खेती को लेकर पूरी तरह सजग है, इसलिए किसानों के विकास की योजनाएं संचालित है। सिंह ने कहा कि सरकार ने 36,000 करोड़ किसानों का कर्ज माफ किया, जिसमें मुरादाबाद के 50,000 किसान शामिल है। कमिश्नर राजेश कुमार सिंह, DIG ओंकार सिंह, नगर विधायक रितेश गुप्ता, संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार तोमर, उप कृषि निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। भाग्यू की ओर से संगठन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा ने किसानों की समस्याओं का जिक्र किया, बताया कि किसान को परेशान किया जा रहा है। नौ सिंह ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की सोच के अनुरूप नीति बनानी होगी। किसान सम्मान समारोह में किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया। फसलों के बेहतर उत्पादन, गाय पालन, बेहतर कृषि चक्र अपनाने और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर उन्नतिशील खेती करने वालों को सम्मानित किया गया। आप ही लोग के द्वारा पालन किया जाता है, आप लोग अन्नदाता हैं, लेकिन ये भी चिंता का विषय है कि जो अन्नदाता पूरे देश को पूरे प्रदेश को पालने का काम कर रहा है, लेकिन केवल किसान पे आधारित रहकर, खाली किसानी पर आधारित रहकर, खेती पर आधारित रहकर उनका पालन पोषण खुलकर घोषित हो रहा है। ऐसी बात क्यों आती है कि हमें अपने अन्नदाता का लोन माफ करना पड़ता है? जो पीछे सरकारें रही उन्होंने इसकी चिंता क्यों नहीं करी कि किसान भी संपन्न हो? ये चिंता का विषय है, ये मेरा मानना है। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है और उसके अवसर पर किसान सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया और अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया गया, चाहे गन्ना उत्पादन के विषय में हो या कृषि उत्पादों के विषय में हो, मछली उत्पादन का विषय हो, दूध उत्पादन का विषय हो, खेती से जुड़े जो भी विषय हैं उनमें उत्कृष्ट कार्य जिन्होंने किया, ऐसे सभी सम्मानित किसानों को सम्मानित किया गया।